मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे? सर्जरी को आवाज नहीं है मैम। अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। कितना दिन हो गया टोटल सर्जरी को? कितने डेज कंप्लीट हो गए हैं? 43 हो गए मैम आज। 43 डेज। घुटना मोड़ के दिखाइए, कितना बेंड कर रहे हो? दिखा रहा हूँ मैम। और किसी ने जाना है क्या मैम? ठीक है हो गया हो गया, डन। ठीक है, स्ट्रेट, स्लो स्लो हिमांशु, स्लो, आराम से वापस से कीजिए। स्ट्रेट स्ट्रेट हिमांशु, आप गलत कर रहे हो। आपका जो पंजा है ना वो इस तरफ है, आपने लेग को रोटेट करके रखा है, तो आपका पंजा ना वॉल की तरफ होना चाहिए। थोड़ा सा आप साइड, हाँ सीधा सीधा घुटना आना ऐसे चाहिए। हाँ आपका जो नी है वो शोल्डर के साथ लाइन में होना चाहिए और घुटना शोल्डर की तरफ बेंड होना चाहिए। ठीक है, बार दोबारा बोलूं? आप ना थोड़ा सा लेग को रोटेट करके बेंड कर रहे हो। लेग स्ट्रेट बेंड करना है, जैसे बेड पे बेंड करते थे वैसे ही वॉल पे बेंड करना है। तो आपका जो फीट है वो दीवार की तरफ होना चाहिए। आप जैसे ही नीचे आ रहे हो फीट रोटेट कर ले रहे हो। ठीक है, ऐसे सीधा रखना है। ठीक हाँ जी, बस बस इतना ही नी बेंडिंग करना है, आगे मत प्रोग्रेस करो। ठीक है, रेपुटेशंस हर 3 घंटे में करना है, दिन में 5 बार। ठीक है, कंफर्टेबल हो हाँ मैम कंफर्टेबल हूँ। टिकट तो बैठ जाइए। बंद करो। ओके, बाहर 20 सेकेंड्स होल्ड कीजिए हिमांशु इस एक्सरसाइज को। थोड़ा और नीचे लेकर आओ घुटने को, थोड़ा और, बस बस बस। क्वाड्स पे प्रेशर फील हो रहा है, थाई पे प्रेशर आ रहा है। 20 सेकेंड होल्ड, 20 सेकेंड रेस्ट, 10 रेपिटेशंस कंटिन्यू। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मानशु। अभी दोनों लेग्स इक्वल रख लो, ऑपरेटेड एंड नॉन ऑपरेटेड इक्वल, आगे पीछे नहीं। अच्छा शोल्डर विथ लेग्स खोलो, हाँ शोल्डर विथ खोलो, पंजे के बीच में और गैप रखिए, घुटने को और खोल लीजिए। हाँ ठीक है, अभी बैक स्ट्रेट, तो बाहर आगे की तरफ पुश ठीक करते हुए सिट टू स्टैंड करना है। कंफर्टेबल है हिमांशु? ये आपको 10 रेपुटेशंस 2 सेट्स कंटिन्यू करना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हील रेजेस करके दिखा दो, आपको वीडियो शेयर किया है। एक बस 15 15 के 2 सेट। ठीक है, स्लो स्लो हील रेस, स्लो स्लो डाउन, काफ पे फील होना चाहिए। ठीक है, होल्ड करना है मैम। होल्ड फॉर 5 टू 10 सेकेंड्स।
बस बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, कंफर्टेबल हो? एक काम करो, अफेक्टेड लेग पे नॉन अफेक्टेड लेग आगे रखिए, आगे जैसे आप, हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी आपका जो अफेक्टेड लेग है उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे, बट नॉन अफेक्टेड लेग से रजिस्ट करोगे, वहीं पे होल्ड करके 20 सेकेंड्स काउंट करो। लेग एक्सटेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको अपोजिट पुश करना है। मिनट क्यूआर पे स्कैन करो। थॉट्स पे, थाई पे प्रेशर फील हो रहा है? टच वहां पे आ करके बताओ कहाँ पे फील हो रहा है। रहा आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है थाई की, वो आपको फील हो रही है? टाइट फील हो रहा है? ठीक नहीं मैं ये वाली ना ये वाली नहीं। है, ये पूरा जो थाई मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फील हो रहा है? मसल्स पे प्रेशर आ रहा है? हाँ यहाँ पे आ रहा है लेकिन इधर साइड नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, होल्ड करो 20 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, कंफर्टेबल? यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ चीज हो। अच्छा, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके करो लेग को, थोड़ा सा और एक्सटेंड करके करना इस बार, थोड़ा सा और सीधा कर लेना। ठीक है, चलो वापस से ओके कंटिन्यू करो। थोड़ा सा पीछे जाइए, पीछे जाओ और थोड़ा। ठीक है, अभी अभी करो पुश, 15 काउंट होल्ड करो, अगर 20 सेकेंड ज्यादा लग रहा है तो। कंफर्टेबल हो अभी? यहाँ भी हो रही मैम थोड़ी। सुबह हो रहा है? थोड़ा सा और लेग को एक्सटेंड कर लो और ऊपर उठा लो। अभी ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, आपको इसके 10 रेप्स करने हैं। ठीक है,